व्हाट्स अप गाइस, तो क्या हाल है सबका? सारे लोग बढ़िया होंगे। तो यार आज काफ़ी यार मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि यार भाई स्मॉलेस्ट ब्रीड के ऊपर ब्लॉग लेकर आऊँ, स्पेशली मिनपिन के ऊपर। तो यार आज मैं आपको बुलवाने वाला हूँ गुरिंदर पाजी से, तो वो स्पेशली मिनपिन की ब्रीडिंग करते हैं और उनके बेन भी किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये आगे गुरिंदर पाजी, और क्या हाल है सर? तो मैं आपको बता देता हूँ, स्पेशली मिनपिन की ब्रीडिंग कर रहे हैं, और कब से ब्रीडिंग कर रहे हो सर आप? मुझे अप्रॉक्सीमेटली हो गए पाँच साल आपको हो गए थोड़ा। सर आपने मिनपिन ब्रीड ही क्यों चुनी है? मिनपिन ब्रीड चुनने के कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसके जो फीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एक हंटिंग डॉग है, ओके, बहुत कॉम्पैक्ट साइज में आप कह सकते हैं, एक डॉबरमैन है, ओके, ठीक है, मतलब छोटे बॉक्स में बड़ा धमाका है। हाँ, तो सर हमें कौन सा डॉग दिखाओगे अपना? मैं आपको सेटअप पूरा ही दिखा देता हूँ। ओके, तो देखते हैं सर का सेटअप। हाँ जी, तो ये हमारा सेटअप है। यहाँ पे मैं सो जाता हूँ, मेरे डॉग्स के पास ही, कभी कभी ये मेरे पास ही सोते हैं, जैसे अभी ये बैठा हुआ है। और यहाँ पे मेरे केज है, यहाँ पे डॉग्स को रखा जाता है। केज मैं कभी भी बंद नहीं करता क्योंकि इनकी फ्रीडम है, कभी भी ये अंदर बैठ सकते हैं अपनी मर्जी से। और बेसिकली जब कोई रिश्तेदार वगैरह आते हैं तब हम इनको बंद कर देते हैं कभी कभार, अदरवाइज ये सारा दिन खुले ही रहते हैं। सर आपके पास कितने सारे डॉग्स हैं? मेरे पास जी है 5 डॉग्स हैं, 4 फीमेल्स हैं, 1 मेल है, और 2 आपके सामने हैं। 2 कोई मेडिकल इश्यू था उनका, तो उनको भेजा हुआ लुधियाना। ओके सर, ये मेरा पहला डॉग है जो मुझे गिफ्ट किया था, एंड इसके बाद ही जो मेरा पैशन है टुवर्ड्स मिनपिन वो ज्यादा इग्नाइट हुआ है। तो ये जो है ये लीवर टैन कलर का मिनपिन है, इसके बाद मैंने मेरा लिया शेरू। सो गाइस ये है मेरा डॉग शेरू, और ये काफी विन भी किया हुआ डॉग है, और काफी इसने जीते हैं, लाइक BOBs इसने बहुत सारे जीते हैं, मुझे याद नहीं है अप्रॉक्सीमेटली कितनी जीती हैं। ये लुधियाना जीता हुआ है, अमृतसर जीता हुआ है, जलंधर भी जीता हुआ है। ये ट्रॉफी क्या है सर? ये ट्रॉफी है जी, UKC की सेकंड बेस्ट इन शो इसको मिली है। ओके, सिर्फ यही एक ट्रॉफी है जो साफ सुथरी है, बाकी सारे पे डस्ट जमी पड़ी है। बहुत ज्यादा ट्रॉफीज है तो उनका रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये अपने ट्रॉफी का बहुत ज्यादा नजदीक बैठ के खुश रहता है। ओ, तो सर इसका प्रॉपर स्टैक तो दिखा दीजिए हमें। हाँ जी, प्रॉपर स्टैक दिखा दीजिए। ये भी एक फीमेल है हमारे पास, इसका नाम है मॉली, और ये भी बहुत अच्छी बच्ची है। ये बेसिकली हंटिंग डॉग्स है, मैं आपको साथ में स्टैक दिखा देता हूँ। इनको हंटिंग डॉग्स कहा जाता है, बार्किंग डॉग्स कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं, इनकी जो आवाज है वो बहुत ज्यादा लाउड होती है। सो गाइस दिस इज द प्रॉपर स्टैक जो डॉग शो में चाहिए, तो आप देख सकते हैं। गुड बॉय। तो देखिए ये कुछ इस तरह से होता है इनका स्टैक। ओके, और काफी चीजें हैं जो इसमें देखते हैं जजेस। ये चॉर्स होना चाहिए बिल्कुल स्क्वेयर होना चाहिए, ठीक है, जो इसकी लेग्स है वो ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और सर टीथ वगैरह भी देखते हैं सर, टीथ वगैरह बाइट देखते हैं जी, इनकी बाइट कैसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें काउंट करती हैं KCI के शो के लिए। okay. और ये KCI शो भी विन किया हुआ है, BOBs हैं इसके काफी। okay. और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ जो लेटर हुआ हुआ है, लीवर टैन कलर की जो फीमेल है, क्योंकि काफी रेयर है ये कलर। गाइस ये है हमारे पास लेटर जो अभी करंटली अवेलेबल है। इनका जो बर्थ है ये 15th का है, और ये अभी अप्रोक्सीमेटली 20 डेज के बच्चे हैं, सारे बहुत ही ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी के हैं। और ये जो ये कलर भी बहुत ज्यादा रेयर है, लीवर टैन कलर इसको कहा जाता है। और सर कितने टाइप्स मतलब कलर आते हैं? कलर इसमें जी 3 कलर आते हैं बेसिकली, जो यहाँ पे ज्यादा फेमस हैं, जो एक तो है रेड कलर जिसको फॉन भी कहते हैं। रेड आपके पास नहीं है? रेड नहीं है मेरे पास, बहुत जल्दी आने वाला है रेड भी। और ब्लैक टैन है, लीवर टैन है, और लीवर टैन की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। और तो ये हमारा है ब्लैक टैन, ये मेरे चैंपियन डॉग के ही बच्चे हैं सारे। ओके, शेरू के? हाँ जी, शेरू के बच्चे हैं ये। तो ये इनकी मदर है, इसका नाम है नूरी, और ये भी बहुत फेमस है क्योंकि ये मेरे चैनल पे भी आती है। ओके, तो सर आपका कौन सा चैनल है? मेरा जी, मेरा चैनल है एक तो गुरी बठिंडे वाला के नाम पे है। ओके सर, बेसिकली सर पंजाबी में ब्लॉग्स वगैरह इनके साथ शूट करते हैं और अपनी लाइफ के रिलेटेड ब्लॉग्स बनाते हैं। सेकंड मैं इंग्लिश सिखाता हूँ, मेरा इंग्लिश चैनल है IELTS 7+, उस पे मैं IELTS करवाता हूँ, जहाँ पे ये बहुत ज्यादा फेमस है। मुझे तो बहुत प्यारे लगे बेसिकली। हाँ। ये डॉगमैन की कॉपी लग रहे हैं, स्मॉलेस्ट वर्जन लग रहे हैं इसका। देखिए गाइस, देखिए
पपी पूरे हेल्दी हैं 20 डेज़ के मुताबिक। मुझे तो सर बेसिकली इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और देखिए मिल्क मदर फीड कर रही है इनको। तो अगर सर मेरी ऑडियंस में से किसी को पप चाहिए होंगे तो कितने का मिल जाएगा? पप का प्राइस जी हैगा 25 से 20 के बीच आसपास होता है। मेल फीमेल का मतलब कितना? मेल फीमेल का डिपेंड करता होता है कि क्वालिटी क्या है, सो उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो आपके पास मतलब एग्जैक्ट प्राइस क्या आएगा मेल? दो फीमेल्स हैं अभी। अच्छा, दो अवेलेबल है जो लीवर टैन कलर के हैं, तो इनका जो प्राइस है दैट इज 25,000। और सर मेरी ऑडियंस में से कोई आपके पास आएगा मेरा सब्सक्राइबर से आएगा कोई तो मिल जाएगा डिस्काउंट? कितना सर कितना? ओके कर लेंगे ना, मेरे को 10% नेगोशिएट हो जाएगा। सर नंबर दे दीजिए अपना। नंबर लिख लीजिए, माय नंबर इज 9023777000।